इसे दीवार बनाएंगे ये वाली। चिकलो ये मिट्टी का गारा तैयार कर रहे हैं दीवार बनाने के लिए। पहले लोग इसी तरीके से गारे का दीवारें बनाते थे और आज हम भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे पास एक पुरानी वार्ड है डंगरों की, तो हम सोच रहे हैं इसी का ही कुछ कर लें रीयूज। सो मशरूम के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं, मशरूम उगाने के लिए गारे से बिना कोई खर्चे के। तो आप देख सकते हैं इस गारे को बार बार हमें काटना पड़ता है, मेरा बच्चा भी लगा हुआ है बड़ी मेहनत से। शाबाश। आने वाले टाइम में लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आने वाली जनरेशन देखेगी किस तरीके से मिट्टी की दीवार बनाते थे गारा बना के। उनको सपने में भी नहीं पता होगा कि इस तरीके से पहले मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थी। तो इसमें हम भूसा भी मिला सकते हैं, गेहूं का भूसा होता है उसको भी मिला सकते हैं, और जो डंगरों के आगे की कुट्टी होती है कटी हुई पुरानी उसको भी मिला सकते हैं। उससे होता यह है कि इसकी पकड़ अच्छी हो जाती है, दीवार जल्दी गलती नहीं है। ठीक है, तो अभी ये हम गारा दीवार के लिए बना रहे हैं, अभी टेम्परेली आप इसे कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन। ये इधर हमारा ट्वेल है छोटा सा, पानी बाल्टी। अभी इसमें जो है इसको प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, कई बार इसको फावड़े से जो है काटना पड़ता है, इकट्ठा करके चिकलना पड़ता है पैरों से। ठीक है ना, एक तरीके की एक्सरसाइज भी होती है, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है, और जिसका पेट बाहर आया हुआ रहता है उसका पेट भी अंदर हो जाता है। ठीक है, तो जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया से इसको इस तरीके से हमें चिकलना पड़ता है। मज़ा आ रहा है? यस, ऐसे ही तो मज़ा आता है बेटा इसमें। यस, आपने तो बिल्कुल गारा बना दिया, एकदम मिक्स कर दिया। वाह, वाह। तो आने वाली जनरेशन देख के खुश होगी कि यार इस तरीके से भी दीवारें बनाई जाती थी। मतलब हम आज की डेट में सब पक्का ही बनाते हैं, पक्का था ये। हमारे पास एक बहुत पुरानी थी गौशाला, आप कह सकते हो भैंसशाला, जो भी है, उगाड़ बोलते हैं इसको, ऐसे जुगाड़ मत समझना, उगाड़ है। ठीक है, ओए ओए ओए, मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो मैं दिखाता भी हूँ आपको कैसे। अभी इसमें हमने टीन डाल रखी थी, ये टूट गई थी, मैंने थोड़ी सी बनाई थी। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर से सही करके पूरा का पूरा, फिर इसके ऊपर हम लोहे के एंगल डाल के और यही वाली टीन को दोबारा से सेट करेंगे। ये इसका दरवाज़ा है उस साइड में। तो पहले भैंस होती थी तो वो क्या करती थी, दीवार में घसती थी, क्योंकि उसके खाद होती थी दीवार में, अपनी स्किन रगड़ रगड़ के सारी को ख़त्म कर देती थी। मेरे हिसाब से गाय पालना बेटर रहता है कच्चे घरों की इसमें। ओके, तो अभी हम गारा तैयार कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे आगे इस तरीके से कितनी मेहनत से ये सब होता है। तो गांव में कुछ ऐसा होता था पहले जो कि हम अब कर रहे हैं। ओके, तो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। अच्छे से 8-10 पराठे तोड़ के अगर आप इसको करोगे तो बढ़िया रहेगा। 2-4 लस्सी के गिलास फेल के तब मज़ा आएगा इसको करने में। और इसको करने के बाद भूख ऐसे लगती है ज़बरदस्त तरीके से। दिस इज़ रियल वर्क ऑफ लाइफ, क्योंकि लोग छोड़ चुके हैं, छोड़ना ही पड़ेगा, न्यू जनरेशन आ चुकी है। क्या ये कील फल निकला है इसमें से? क्या है ये जड़? ये वाला भी हटा। तो जब हम फौड़ा चलाते हैं तो पूरा पेट पे जोर पड़ता है। ठीक है गाइस, जो कहता है ना हमारा पेट बाहर आ रहा था, आ जाओ पेट अंदर करने का अच्छा नया तरीका है पुराना। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको दीवार पे लगाते हैं। ठीक है गाइस, बने रहिए, स्टे ट्यून रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही कुछ नई नई चीज़ें हम आपको दिखाएंगे।
ट्रैवल गुरुकुल से जुड़े रहिए। बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी ही नहीं कहीं, ठीक है ना। तो अभी एक तरीके का मसाला तैयार किया जा रहा है कच्चे घर को बनाने का, कच्ची दीवार को बनाने का। ये मेरा विचार नहीं था इसको बनाने का, तोड़ने का विचार था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार एक मेमोरी के तौर पे किस तरीके तैयार की जाती है, बना के रख लेते हैं कुछ टाइम तो चलेगा ना, बजाय इसको तोड़ के कुछ नया बनाने का ज़्यादा खर्चा होगा, तो इसी को यूज़ कर लिया जाए तो बेटर रहेगा। ओके, इसमें गाय का गोबर भी यूज़ किया है हमने, गाय चाहे भैंस हो जिसका भी गोबर हो तुम यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि गाय का यूज़ करना है, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो यूज ही नहीं करोगे आने वाले टाइम में।